नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर अंजनास मोटिवेशन चैनल पर आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन पर आप ऐसा क्या करें कि आप इस दिन का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जन्माष्टमी की महत्व और इस दिन पर क्या ऐसा टेक्निक करें कि आप इसका ज़बरदस्त लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के इस शुभ दिन में क्यों कुछ टेक्निक करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले जन्माष्टमी क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जन्माष्टमी को क्यों मनाना चाहिए, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने की परंपरा हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार में से एक है। जन्माष्टमी दो शब्दों का योग है, जन्म और अष्टमी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 5000 साल पहले भगवान विष्णु के 8वां अवतार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण के जन्म का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी को राक्षसों और बुराई से मुक्त करना। भगवत गीता के अनुसार एक प्रसिद्ध श्लोक बताता है कि जब भी बुराई का पूर्व प्रभुत्व और अच्छाई का राश होता है, भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए फिर से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म भी इस पद का प्रतीक है। भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का और एक महत्व है कि सद्भावना और अच्छी ऊर्जा का प्रसार करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब दुनिया बुराई से घिर जाती है तो भगवान स्वयं मानव रूप धारण कर दुनिया को शुद्ध करने और लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आएंगे। भगवान विष्णु के मानव जाति और कृष्ण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बार बार अवतार लिया है। उनका 8वां अवतार है, वो बुराई के विनाश और धर्म यानी कर्तव्य के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अपने जीवन में उन्होंने कोई दुष्ट राक्षसों और पुरुषों को हराया और जब बहादुर अर्जुन का विश्वास युद्ध से पहले लड़खड़ा गया तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए आवश्यक श्लोक दिए, समझाए कि उसे लड़ने की आवश्यकता क्यों थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उस लड़ाई को लड़ना उसका धर्म या कर्तव्य था और कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण धर्म कर्तव्य की रक्षा करते हैं और बुराई से लड़ते हैं। यदि आप इस पथ पर चल रहे हैं, वो वास्तव में धर्म का मार्ग है। और यदि आपके जीवन में कोई बुराई का प्रभाव है तो आपको ध्यान करने के लिए ये दिन अच्छा है। ऐसे मुद्दों के लिए मदद के लिए इस दिन पर कृष्ण से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये था जन्माष्टमी का महत्व। अभी इस दिन पर आप
कौन सी टेक्निक करें कि आप इस दिन का सदुपयोग कर सकें। अपने जीवन में आप अपने कोई भी समस्या या आपका कोई भी विश हो, आपका कोई भी डिज़ायर हो, आप इस दिन में करके आप उसका लाभ उठा सकें। इस टेक्निक को करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरी है, एक पेन और एक कॉपी या पीस ऑफ पेपर, कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी लेने से हो जाएगा। तो लेकिन आपको ध्यान रखें कि आप कोई भी कंफर्टेबल प्लेस में आपको बैठना है, और जब आप ये टेक्निक करेंगे तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप बैठ जाइए, उसके बाद आप अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप 2-3 बार ब्रीदिंग कीजिए। गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इस टेक्निक को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य आप एक खत लिखिए, यानी कि आप आपके मन में जो भी विश हो, आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में, आप जो चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में आप भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य एक आप लेटर लिखिए, खत लिखिए। और एक टेक्निक है जिसको आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बुराई को ख़त्म करने के लिए, कर्तव्य को पालन करने के लिए, पृथ्वी को रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार रूप लिए थे। तो इसका सिंबलिक रीज़न क्या है कि आप आपके अंदर की सोच को बदलिए, आपके अंदर की जो बुराइयां है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर के जो फियर है, जो डर है, वो सब ख़त्म करने के लिए भी ये त्यौहार एक सिंबलिक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस जर्नल या पेपर में आप लिखिए कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश है, आपका सोच हमेशा पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि जन्माष्टमी का जो अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जो एकमात्र उद्देश्य है कि बुराइयों का नाश करना, कर्तव्य का पालन करना और पृथ्वी को रक्षा करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार रूप लिए थे। तो इसका सिंबल क्या है, सिंबलिक रीज़न है बिहाइंड द सीन कि आप खुद को चेंज कीजिए, आप खुद का सोच को चेंज कीजिए, आप खुद का परिवर्तन कीजिए, यानी कि आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको आप ठीक कीजिए, आपके अंदर का जो बुराइयां है उसको ख़त्म कीजिए, आपके सोच को पॉजिटिव कीजिए, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप डरते हैं उसको आप ख़त्म कीजिए। इस तरह से आप जितने भी पॉजिटिव वर्ड आप बना सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड है आपके सोच बदलने के लिए, आपके कोई भी बुरा हैबिट बदलने के लिए, आप जैसे खुद को ठीक करने के लिए आप इस तरह से सेंटेंस को बनाकर आप लिखिए। देखेंगे जितने बार आप ये सेंटेंस लिखेंगे या जब आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सोच बदलने स्टार्ट हो जाएगा, आपके थॉट पैटर्न चेंज होने लगेंगे। तो दोस्तों, इस टेक्निक को आप लोग ज़रूर कीजिए, देखेंगे बहुत अच्छे लगेंगे, और मुझे कमेंट में बताना कि ये टेक्निक करके आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।